सो नो डाउट वॉशिंग मशीन एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हर सेल में हमें एक अच्छा डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है स्पेशली मानसून सीजन के सेल्स में बस कभी यहाँ पे प्राइस ड्रॉप काफी शानदार रहता है एंड कभी एवरेज और फिलहाल मैं इस सेल की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ दी वॉशिंग मशीन पे काफी अच्छा डिस्काउंट है इन फैक्ट यहाँ पे कुछ मशीन तो अपनी लोएस्ट एवर प्राइसिंग में मिल रही है विद एडिशनल कार्ड ऑफर्स एंड एक्सचेंज ऑफर्स टू सो so, अगर आप भी अपने लिए एक बेस्ट फ्रंट वॉशिंग मशीन लेने का प्लान कर रहे हो तो ये काफ़ी एक सही समय है बेस्ट मशीन परचेस करने का वो भी एक बेस्ट प्राइस में और वैसे यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करो आपको ये ज़रूर इंश्योर करना है कि वो आपका एक इन्फॉर्म्ड एंड वेल रिचर्स डिसीजन हो ना कि किसी सिलेक्टिव मैनिपुलेशन से इन्फ्लुएंस्ड एंड इस चीज में आपकी कंप्लीट हेल्प के लिए आप मेरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट को डिफर कर सकते हो यहाँ आपको हर वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी विद प्रूफ जिससे आप भी एक इन्फॉर्म डिसीजन लो ना कि इन्फ्लुएंस्ड नाउ अब मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं आपको सीधा बेस्ट रिकमेंडेशन शेयर करूंगा विद स्टेट फॉरवर्ड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करें बेस्ट नाइन के जी लोड वॉशिंग मशीन से सो so, अगर आपको यहाँ पे एक दी बेस्ट मोस्ट ट्रस्टेड एंड टेस्टेड वॉशिंग मशीन लेनी है फ्रॉम अ वन ऑफ बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ब्रांड जिसकी आफ्टर से सर्विस भी हमें काफी शानदार देखने के लिए मिले तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा ये एल की नाइन के जी फ्रंटल वॉशिंग मशीन जो अभी नो no डाउट अपने लोएस्ट एवर प्राइसिंग पे चल रही है अगर आपको एक अच्छी वॉशिंग मशीन लेनी है विथ फोर्टीन हंड्रेड आरपीएम स्पिन स्पीड विथ ऑल एसेंशियल फीचर्स एंड गुड आफ्टर से सर्विस तो नो no डाउट ये वॉशिंग मशीन इस प्राइस रेंज में एक किलर डील रहेगी। इस इस मशीन की की जो है वो इस प्रकार से है कि इसमें कम देखने के सिक्स यूनिक मोशन का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कंजन है वो हर एक अदर कॉम्पिटिशन से कम है एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कंजप्शन में इस मशीन को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता बाकी अगर आपके पे वॉशिंग मशीन लेनी है तो आप इसका वाई फाई कंपेटेबल मॉडल को कंसिडर कर सकते हो जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है बाकी अगर आपको यहाँ पे 1200 हंड्रेड आर पी एम की वॉशिंग मशीन भी चल जाएगी तो आप यहाँ पे एल जी के इस वाले मॉडल को कंसिडर कर सकते हो नो no डाउट ये एक बिल्कुल स्टील डील है। अगर आपको एल जी की नाइन के जी वाइफेबल वॉशिंग मशीन लेनी है तो नो डाउट है लाइक आपको, आपको यहाँ पे वॉशिंग मशीन एक बॉश की वॉशिंग मशीन ही लेनी है तो आप बॉश के इस वाले मॉडल को कंसिडर कर सकते हो ये मशीन भी अपनी लोएस्ट एवर प्राइसिंग में मिल रही है नो डाउट ये जो वॉशिंग मशीन है यानी कि जो बॉश की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है उसमें हमें नॉइज वाइब्रेशन सबसे कम देखने के लिए मिलती है इन कंपैरिजन टू एनी बेल्ट ड्रिवन वॉशिंग मशीन लाइक एलजी में जो मैंने आपको मोटर बताई थी वो थी डायरेक्ट ड्राइव मोटर और वहीं एलजी के अलावा जो मोस्ट ऑफ द अदर ब्रांड्स आते हैं उन सब में हमें यहां पे एक बेल्ट ड्रिवन मोटर देखने के लिए मिलती है इन कंपैरिजन टू दोस ब्रांड वॉशिंग मशीन रीजन है प्राइमरी उसकी बिल्ड क्वालिटी एंड साथ में थ्री स्प्रिंग एंड थ्री सस्पेंशन सिस्टम जो कि दी बेस्ट सस्पेंशन सिस्टम है इन कंपैरिजन टू एनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन देन फिर इसके बाद अगर आपको एक मोस्ट अफोर्डेबल फीचर लोडेड वॉशिंग मशीन चाहिए यानि की एक, एक ऐसी वॉशिंग मशीन विद वाई फाई कम्पेटिबिलिटी चाहिए, तो under चल रही है और वैसे यहाँ पे आई एफ बी वॉशिंग मशीन की जो की हाईलाइट होती है वो होती है इनकी फोर ईयर्स ऑफ कॉम्प्रीसिव वारंटी जो इन कम्पेरिजन टू एनी अदर ब्रांड सबसे हाइएस्ट वारंटी है एंड जो अपनी आई एफ बी वॉशिंग मशीन है वो भी जानी जाती है अपनी अच्छी क्वालिटी के लिए लाइक आई एफ बी की जो रेफ्रिजरेटर है एयर कंडीशनर है वो मैं इतना रिकमेंड नहीं करता लेकिन जो इनकी वॉशिंग मशीन की क्वालिटी है वो डेफिनेटली काफी अच्छी रहती है सो अगर आपको थर्टी सेवन थाउजेंड रुपीज में एक अच्छी वाईफाई फाई कंपेटेबल वॉशिंग मशीन लेनी है एंड आपके यहाँ पे आई एफ बी की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है तो फॉर श्योर ये मशीन एक दी बेस्ट ऑप्शन रहेगी अंडर थर्टी सेवन थाउजेंड रुपीज दैन फिर इसके बाद अगर आपके यहाँ पे आई एफ बी की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है आपको ऐसे ब्रांड की वॉशिंग मशीन लेनी है जो आपको अच्छा, अच्छा, अच्छा सर्विस भी प्रोवाइड कर सके भी मिले तो कंसिडर कर सकते हो अगर आपकी ऐसी नहीं है, जो मैंने आपको की, ये नहीं है आपकी तो आप आई आप के मॉडल को कंसिडर करना दिस सैमसंग मशीन लेकिन अगर आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आप यहां पे इस सैमसंग की मशीन को कंसीडर कर सकते हो एंड बाय द वे पे जो सारी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उन लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वैसे यहाँ पे इस सैमसंग का एक नॉन वाईफाई वेरिएंट भी देखने के लिए मिल जाता है हमें लेकिन जिस प्राइस रेंज पे ये अभी मिल रहा है उस प्राइस रेंज में इसकी तरफ देखने की कोई भी जरूरत नहीं है नेक्स्ट इसके बाद अगर आपको आई स्पेसिफिक वॉशिंग मशीन ही लेनी है लेकिन आपको वाई फाई वगैरह नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे इस आई एफ बी के वेरियंट को कंसिडर कर सकते हो ये भी अपनी लोएस्ट लोएस्टल प्राइसिंग पे चल रही है बट आप मुझसे पूछोगे तो इससे पहले जो वाई फाई कंपेटेबल मैंने आपको जो वॉशिंग मशीन रिकमेंड की थी वो ज़्यादा एक बेटर ऑप्शन रहेगी इन कंपेरिजन टू तो डिस वॉशिंग मशीन क्योंकि वो एक नया मॉडल भी है नेक्स्ट फिर इसके बाद यहाँ पे मैं स्पेशल मेंशन देना चाहूँगा इस वर्लपुल की नाइन के जी लोड मशीन को क्योंकि इस मशीन में एक हमें एक यूनिक फीचर देखने के लिए मिलता है यह बोलो एक यूनिक फंक्शन टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलती है जो कि यहाँ पे ओजोन टेक्नोलॉजी जो और बेल्ट वाली मोटर इसमें नहीं मिलती जो एल में डायरेक्ट ड्राइव मोटर होती है वैसी डायरेक्ट ड्राइव मोटर हमें इस वॉशिंग मशीन में भी मिल जाती है एंड साथ में इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो भी काफी शानदार है बट इस वॉशिंग मशीन को फर्स्ट रिकमेंडेशन देने से मैं इसलिए रुक रहा हूं क्योंकि अभी ये जो मशीन है, वो यहाँ पे थोड़ी न्यू है एंड वर्लपूल की आइडिया अभी किसी को भी नहीं है लेकिन अगर आप यहाँ पे बैट लेना चाहते हो अगर आप ट्रायल करना चाहते हो अपने मनी से तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो अदरवाइज अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो इससे पहले जो वॉशिंग मशीन मैंने आपको बताई जो काफी ट्रस्टेड

कि अगर आपको यहाँ पे हमारे कंटेंट से हेल्प मिलती है एंड आप हमें यहाँ पे फ्री एट मोस्ट इफेक्टिव वे में सपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अपनी कोई भी परचेस कंप्लीट करके हमें फ्री एट मोस्ट इफेक्टिव वे में भी सपोर्ट कर सकते हो फिलहाल अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं बेस्ट एट के जी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन से एंड यहाँ पे अगर आपको एक मोस्ट अफोर्डेबल वॉशिंग मशीन लेनी है यानी कि अंडर थर्टी थाउजेंड रुपीज आपको एक एट के की वॉशिंग मशीन लेनी है वो भी एक ऐसे ब्रांड की तरफ से जो आपको अच्छी आफ्टर से सर्विस भी प्रोवाइड कर सके तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये सैमसंग की एट के जी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन डेफिनेटली अंडर थर्टी थाउजेंड रुपीज हम देखें या फिर हम स्पेसिफिकली बात करें ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज की तो इस प्राइस रेंज में ये एक दी बेस्ट वॉशिंग मशीन रहेगी इसमें हमें हाईएस्ट आरपीएम यानी कि 1400 आरपीएम देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे भी हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलती और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सैमसंग की वॉशिंग मशीन की जो की हाईलाइट है वो यहाँ पे ट्वेंटी ईयर्स की वारंटी ऑन इट्स मोटर तो ये चीज आपको इस मशीन में मिल जाती है देन फिर इसके बाद अगर आपको ट्वेल्व हंड्रेड स्पिन स्पीड भी चल जाएगी तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा ये IFB की वाईफाई इनेबल्ड वॉशिंग मशीन अगर आपको कोई वाईफाई कंपैटिबल वॉशिंग मशीन लेनी है अराउंड रुपीज तो नो डाउट इसका कोई भी कंपटीशन नहीं है इसमें हमें अच्छी वॉश क्वालिटी के साथ साथ अच्छी वारंटी भी देखने के लिए मिल जाती है विच इज फोर ईयर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी जो की अगेन फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में हाइएस्ट है एंड अगेन यहाँ पे इसकी प्राइसिंग भी अभी लोएस्ट चल रही है और वैसे यहाँ पे इसका नॉन वाईफाई इनेबल वेरिएंट भी आता है जिसको मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि हमें सेम प्राइस रेंज में वाईफाई इनेबल वॉशिंग मशीन मिल रही है वो भी बेटर लुक्स के साथ दैट्स देन right. फिर इसके बाद आपको 1200 हंड्रेड आरपीएम स्प्र स्पीड नहीं चलेगी आपको 1400 हंड्रेड आरपीएम स्पिन स्पीड ही चाहिए एंड साथ में एक ऐसे ब्रांड की वॉशिंग मशीन लेनी है जो हमें अच्छी आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड कर सके तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये सैमसंग की फ्रंट लोड एट के जी वॉशिंग मशीन एंड इस प्राइस रेंज में अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट्स के साथ एक वॉशिंग मशीन लेनी है तो नो no डाउट ये वॉशिंग मशीन काफी एक अच्छा ऑप्शन रहेगी एंड साथ ही में डिजाइन वाइज भी ये काफी अच्छा ऑप्शन है बाकी अगर आप यहाँ पे वन थाउजेंड रुपीज एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी हो तो इससे बेटर वॉशिंग मशीन है ये आई की फ्रंट लोड एट के जी वॉशिंग मशीन ये भी एक वाईफाई कंपर्टेबल वॉशिंग मशीन है इसकी बिल्ड क्वालिटी हमें सैमसंग से काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी साथ में इसमें हमें फोर ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी देखने के लिए मिल जाएगी बाकी यहाँ पे सैमसंग की वॉशिंग मशीन पे जो एडवांटेज था वो तो यहाँ पे ट्वेंटी ईयर्स की वारंटी ऑन इट्स मोटर एंड साथ में सैमसंग की आफ्टर सेल सर्विस जो हर जगह पे अच्छी होती है अगर आपके यहाँ पे आई की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है एंड आप वन थाउजेंड रुपीज और पे कर सकते हो तो फॉर श्योर ये वाली जो बी की वॉशिंग मशीन है वो मेरे तरफ से एक बेटर रिकमेंडेशन रहेगी बाकी ये दोनों मशीन भी अपनी लोएस्ट एवर प्राइसिंग पे चल रही है एंड वैसे यहाँ पे आई की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की एक और हाईलाइट है लाइक जिस टाइप से यहाँ पे एल कहता है कि उनकी वॉशिंग मशीन में हमें सिक्स यूनिक मोशंस देखने के लिए मिल जाते हैं अपने क्लोथ्स को वॉश करने के लिए उस टाइप्स के इसमें भी हमें नाइन मोशंस देखने के लिए मिल जाते हैं जबकि इसमें एक डायरेक्ट ड्राइव मोटर नहीं है ये बेल्ट ड्रिवन मोटर से ही अपने जो नाइन यूनिक मोशन्स है उसको अचीव कर रही है जो अगेन यहाँ पर काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी इसमें हमें मिलती है जो डेफिनेटली अपने क्लोथ्स को काफ़ी अच्छी वॉश क्वालिटी प्रोवाइड करेगी देन फिर इसके बाद आपको यहाँ पे वाईफाई कंपैटिबिलिटी नहीं चाहिए आपको चाहिए एक बेस्ट ट्रस्टेड एंड टेस्टेड वॉशिंग मशीन तो अगेन यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाली एल की एट के जी फ्रंटलोड वॉशिंग मशीन इस मशीन में भी हमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कंजप्शन एंड वाटर इन कम्पेरिजन टू एनी अदर कॉम्पिटिशन सबसे कम देखने के लिए मिल जाएगा एंड साथ में नॉइस एंड वाइब्रेशन भी काफी कम रहेगी क्योंकि इसमें एक डायरेक्ट ड्राइव मोटर यूज की गई है एंड आफ्टर सर्विस तो हम सब जानते ही हैं कि एल की वो वन ऑफ द बेस्ट है इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है सो so, अगर आपकी रिक्वायरमेंट भी कुछ इस प्रकार से है तो डेफिनेटली अंडर थर्टी थ्री थाउजेंड रुपीज़ इसका कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है बाकी इसका यहाँ पे हमें एक वाई फाई वेरियंट भी देखने के लिए मिल जाता है बट उसको लेना मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा डेफिनेटली इस प्राइसिंग पे तो बिल्कुल नहीं क्योंकि इसमें अगर आप वन थाउजेंड रुपीज़ और डाल दोगे तो आपको नाइन के की वॉशिंग मशीन मिल जाएगी वो भी सेम एल की दैट्स सॉ इस प्राइस रेंज में इसकी वाई फाई कंपेटेबल लेने का अभी सेंस नहीं बनता नेक्स्ट फिर इसके बाद अगर आपको बॉश स्पेसिफिक वॉशिंग मशीन ही लेनी है यानी कि बॉश की 8 के जी वॉशिंग मशीन ही लेनी है तो आप यहाँ पे बॉश के इस मॉडल को कंसिडर कर सकते हो डेफिनेटली ये भी काफी सही प्राइसिंग पे अवेलेबल है एंड यहाँ पे जो बॉश की मेन की हाईलाइट थी वो मैं आपको यहाँ पे नाइन के वाले सेगमेंट में एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ नेक्स्ट जैसा कि यहाँ पे मैंने नाइन के जी फ्रंटल वॉशिंग मशीन में एक स्पेशल मेंशन दी थी अपनी वर्लपूल की वॉशिंग मशीन को वैसा ही स्पेशल मेंशन यहाँ पे मैं एट के जी फ्रंटल वॉशिंग मशीन में भी आपको देना चाहूंगा वर्लपूल वॉशिंग मशीन के यहाँ पे भी जो वॉशिंग मशीन वर्लपूल प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली यहाँ पे दो मॉडल्स मिल जाते हैं एक अपना ओजोन टेक्नोलॉजी वाली एक विदाउट ओजोन टेक्नोलॉजी वाला एंड यहाँ पे जो पेपर स्पेसिफिकेशन अगर हम पेपर स्पेसिफिकेशन पे एनालिसिस करें तो डेफिनेटली ये वन ऑफ द बेस्ट वॉशिंग मशीन निकल के आ रही है जिस प्राइस रेंज पे जो फीचर्स ये अवेलेबल करा रही है वो कोई अदर ब्रांड्स नहीं करा रहे लेकिन अगेन यहाँ पे जो आफ्टर सेल सर्विस एंड साथ में जो फीचर में कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहेगी कैसी ये रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाएगी ये चीज अभी देखने का बाकी है बाकी यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये जो आपको नंबर ऑफ रिव्यूज देखने के लिए मिल रहे हैं इस वॉशिंग मशीन में ये इस मशीन के रिव्यूज नहीं है ये दूसरे मशीन के रिव्यूज है तो इससे आप यहाँ पे मिसलीड मत होना बाकी मेरे थॉट्स वर्पूल मशीन के लिए मैं यहाँ पे नाइन के वाले सेगमेंट में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ ना अब अब इसके बाद पे हम बड़े सेवन के जी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के सेगमेंट में तो यहाँ पे मेरी जो फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगी वो रहेगी ये एल जी की फ्रंट लोड सेवन के जी वॉशिंग मशीन लाइक सेवन के जी की कैटेगरी में ये वन ऑफ द बेस्ट मशीन तो है ही एंड साथ में ये अफोर्डेबल ऑप्शन भी है लाइक like, अभी ये काफी सही प्राइस में अवेलेबल है जिसकी वजह से जो यहाँ पे मैं आपको अदर रिकमेंडेशन देता था अगर आपको मोस्ट अफोर्डेबल वॉशिंग मशीन लेनी है उसका भी सुपड़ा इसने साफ कर दिया है अगर आपका यहाँ पे बजट है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज या फिर ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड रुपीज के अराउंड तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इस वॉशिंग मशीन को कंसिडर कर सकते हो अगेन इस मॉडल का जो वाटर कंज़प्शन है इलेक्ट्रिसिटी कंज़प्शन है वो सबसे कम रहेगा एज कंपेयर टू एनी अदर वॉशिंग मशीन बाकी फिर इसी प्राइसिंग में यहाँ पे वर्लपुल की वॉशिंग मशीन भी अवेलेबल है अगर मैं यहाँ पे वापिस रिपीट करूँ तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा जो मेरी थॉट्स है यहाँ पे वर्पुल वॉशिंग मशीन के लिए मैं वहां पे 9 के वाले सेगमेंट में एंड 8 के वाले सेगमेंट में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं अगर हम पेपर स्पेक्स के हिसाब से देखें तो फॉर श्योर ये एल को टक्कर देने वाली मशीन है बट हमें यहाँ पे रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस का वेट करना होगा ये मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस रहेगी बाकी यहाँ पे जो दोनों मशीन है विच इज एल एंड वर्लपुल मशीन इन दोनों में हमें ट्वेल्व हंड्रेड आर पी एम स्पिन स्पीड देखने के लिए मिल जाती है जो की सेवन के जी में हाइएस्ट स्पिन स्पीड है Then फिर इसके बाद अगर आपको एक वाई मशीन लेनी है विथ ट्वेल्व हंड्रेड आर पी एम स्पिन स्पीड एंड गुड आफ्टर सेल सर्विस तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये सैमसंग की सेवन के जी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन अगर आपको एक वाई फाई कम्पैटेबल वॉशिंग मशीन लेनी सेवन के जी में तो नो डाउट इस वॉशिंग मशीन का कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है एंड एक्चुअली में कोई कॉम्पिटिशन एक्जिस्ट ही नहीं करता देन फिर इसके बाद अगर आपको कोई ब्रांड स्पेसिफिक वॉशिंग मशीन लेनी है तो ही आपके लिए जो आगे मैं आपको वॉशिंग मशीन बताऊंगा उनको कंसिडर करना एक चॉइस रहेगी अदरवाइज यहाँ पे आप इससे प्रीवियस जो मैंने आपको वॉशिंग मशीन बताई उसको कंसिडर कर सकते हो लाइक like अगर आपको यहाँ पे एक आई स्पेसिफिक वॉशिंग मशीन लेनी है तो यहाँ पे एक इस वाले मॉडल को आप कंसिडर कर सकते हो ये मेरी फर्स्ट प्रीफरेंस रहेगी एंड सेकेंड रहेगी ये वाली वॉशिंग मशीन लाइक इनमें जो प्राइसिंग है वो अभी यहाँ पे काफ़ी देखा जाए अगर एल जी है एंड साथ ही में इसमें हमें 1000 RPM की स्पिन स्पीड देखने के लिए मिलेगी इतना ओपनली मैं पे रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी या इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन बाकी इसी तरह अगर आपको बॉश स्पेसिफिक वॉशिंग मशीन लेनी है तो यहाँ पे ये दो मॉडल्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ ये जो बॉश मॉडल्स हैं उनमें हमें, हमें यहाँ पे 1200 हंड्रेड आरपीएम की स्पिन स्पीड देखने के लिए मिल जाएगी तो यहाँ पे हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा अगर आपके स्पेसिफिक ब्रांड्स की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे आप आई एंड ये वॉश के मॉडल को भी कंसिडर कर सकते हो मशीन अच्छी है नो डाउट स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा करूं वॉशिंग मशीन की आई एफ वॉशिंग मशीन में अभी रिकमेंड नहीं करूंगा सेवन के जी सेगमेंट में क्योंकि 1000 थाउजेंड आरपीएम हमें मिल रही है एंड साथ में प्राइजेस भी ज्यादा हैं नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अंडर 25,000 फाइव के सेगमेंट में यानी कि 6 एंड सिक्स पॉइंट वाले वॉशिंग मशीन पे सो so अगेन जैसा कि एल ने यहाँ पे सेवन के जी सेगमेंट में कई लोगों के सुपड़े साफ कर दिए थे सो so अगेन यहाँ पे ऐसा ही केस अपने सिक्स पॉइंट फाइव या सेवन सिक्स के जीस वाले वेरियंट में भी है अगर आपको अंडर ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज बेस्ट मशीन लेनी है तो आप यहाँ पे एल जी की सिक्स पॉइंट फाइव के जी वाली वॉशिंग मशीन को कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे जो अपनी सिक्स पॉइंट फाइव या सिक्स के जीस की वॉशिंग मशीन होती है वहाँ पे हाइस्ट आरपीएम अपना वन थाउजेंड आरपीएम की स्पिन स्पीड तक जाता है जो कि हमें इस मशीन में भी देखने के लिए मिल जाता है बाकी जो स्पेसिफिक कॉमन हाईलाइट है यानी कि लो पावर कंजप्शन एंड लो वाटर कंजप्शन वो आपको इस सैमसंग सॉरी इस एल की मशीन में भी देखने के लिए मिल जाएगा देन फिर इसके बाद यहाँ पे एक ये सैमसंग की वॉशिंग मशीन है जो इस प्राइस रेंज में लेने का सेंस नहीं बनता है क्योंकि ये सिक्स के मशीन है एंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज के अब कॉस्ट करिए ज्यादातर डील्स में इसकी कॉस्टिंग ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज के आसपास जाती थी तो अगर जिस टाइम आप चेक कर रहे हो अगर ट्वेंटी तक इसकी प्राइसिंग जा रही है तो आप इस सैमसंग मॉडल को कंसिडर कर सकते हो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज में मैनेजमेंट नहीं करूंगा अगर आपको इनकेस एल जी की वॉशिंग मशीन नहीं लेनी आपको फोर इयर्स ऑफ कॉम्प्ले वारंटी चाहिए तो आप यहाँ पे इस आई एफ बी के वेरियंट को कंसिडर कर सकते हो ये यह यहाँ पे टू वाला वेरियंट है इसका यहाँ पे एक टू वाला वेरियंट भी आता है बट उसमें हमें यहाँ पे डिस्प्ले देखने के लिए नहीं मिलती एंड डिस्प्ले देखने के लिए नहीं मिलती उसके बावजूद भी कई लोग यहाँ पे इस मॉडल को कंसीडर कर रहे हैं

उस चीज में ये मशीन इतनी सेंस नहीं बनाती अपनी सिक्स के जी वाला ये वाला वेरिएंट एंड साथ में सेवन के जी वाला ये वाला वेरिएंट सेम ही इसका दूसरा वेरिएंट है अगर आपको डिस्प्ले से फर्क नहीं पड़ता तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो इसकी प्राइसिंग भी हमें काफी सही देखने के लिए मिल रही है प्राइसिंग तो लोएस्ट एवर ही चल रही है इसकी बट ये एक कंसर्न था जो मुझे हाईलाइट करना था जिसकी वजह से इतने ओपनली मैं सेवन के जी एंड सिक्स के जी मैं इनको इतना रिकमेंड नहीं कर रहा हूं बाकी इसका मतलब ये नहीं कि ये वॉशिंग मशीन लोग ले नहीं रहे लाइक like जैसा कि आप स्क्रीन शॉट में भी देख सकते हो कि पिछले महीने लोगों ने ये मशीन को परचेस किया एंड बाय पे इनकी वेबसाइट पे लिखा है कि इनका ये वाला मॉडल सेल्फ डायग्नोज भी सपोर्ट करता है बट कैसे करेगा एरर तो तो कर कोड रहा बाकी इसके अलावा यहां पे आई का एक और वेरिएंट आता है विच इज अराउंड ट्वेंटी वन थाउजेंड रुपीज के अराउंड एक सिक्स के जी वेरियंट जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है लेकिन इस वाली वॉशिंग मशीन में हमें जो स्पिन स्पीड है वो सिर्फ 800 हंड्रेड आरपीएम की देखने के लिए मिलती है तो अगर आपको 800 हंड्रेड आरपीएम स्पिन स्पीड चल जाएगी तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो अदरवाइज मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अगर थोड़ा बजट बढ़ा सकते हो तो डेफिनेटली आप एल की वॉशिंग मशीन को कंसिडर करो ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज में एक काफी अच्छी डील है वो है देन फिर इसके बाद अगर आपका बजट यहाँ पे लिमिटेड है ट्वेंटी वन ट्वेंटी का ही बजट है तो मैं आपको यहाँ पे ये गोदरेज का एक रिकमेंडेशन और दे देता हूं वैसे मैं मन से देना तो नहीं चाहता लाइक अपने लिए तो मैं इस मशीन को कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे गोदरेज की वॉशिंग मशीन पर इतना ट्रस्ट नहीं है बट जब अपने पास ऑप्शन नहीं है होते तो अपने को थोड़े कॉम्प्रोमाइज करने पड़ता है दैट्स वाई ये मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूं प्राइसिंग अगेन यहां पे लोएस्ट ही चल रही है इस बात में कोई शक नहीं है देन फिर इन सब के बाद यहाँ पे अगर आपका कोई और क्वेश्चन है कोई और क्वेरी किसी अदर स्पेसिफिक मॉडल के रिगार्डिंग जिसको मैंने अपने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है क्वेरीज हैं तो डेफिनेटली आप अपने क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में इस फॉर्मेट में पूछ सकते हो मैं विद इन ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट आवर्स में आपके रिप्लाइस देने की पूरी कोशिश करूंगा बाकी एक लाइव स्ट्रीम भी करने का हम सोच रहे हैं तो आप वहां पर भी जुड़ सकते हो अपने क्वेश्चन के इंस्टेंट रिप्लाइज के लिए